अरे ये पत्थर तुझे क्या बचाएगा? मेरी लाज की रक्षा। हमारी शरण में आजा लड़की, हम ही तेरे भगवान है। तेरी जिंदगी। हाँ रमेश जी, कैसे हैं आप? हाँ, कब? क्या बोल रहे हैं? जी जी, हेलो। हाँ सर, सॉरी बॉस, सो गए थे क्या? जी कुछ अर्जेंट था। वो कुलकर्णी जी है ना, अरे वो जिनका लकड़े का बिजनेस था। जी 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 सर, उनका देहांत हो गया, लेकिन सर उसके फैमिली की हालत कुछ ठीक नहीं। मैं उनको पर्सनली जानता हूं सर, प्रॉब्लम जरा जेन्युइन है। आई नो, मैं जानता हूं मैं कोई नया थोड़ी हूं ना भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ तो हो सकता है यार। 60 दिन बहुत लंबा टाइम होता है, एक हफ्ता चल 15 दिन में हो जाए यार। अरे भगवान के लिए सोच मेरे भाई, कुछ तो कर। ठीक है, मैं समझ रहा हूं, सुनता हूं, मैं समझता हूं, लेकिन भाई कोशिश तो कर। कहां लाके फंसाया है भाई? पूरी दुनिया में एक मैं ही मिला था ना, प्रमोशन मांगा था, डिपार्टमेंट ही चेंज करवा दिया, अच्छा खासा प्रोसेस में था, मार्केटिंग में डाल दिया। अरे प्रॉब्लम दिया है तो आओ सॉल्व करो। अब कौन आया इस समय? यस बोलो, कौन हो तुम? भगवान। भगवान? अरे यार मैं किसी भगवान भगवान को नहीं जानता, एक को जानता था, खुर्जा चला गया। भगवान जिसकी तुम पूजा करते हो। अच्छा तू भगवान है, हुँ? चल एक काम कर, अब तू अंदर आके दिखा। साला इस सिक्योरिटी कहां चला गया? क्यों भगवान जी, आप अंदर नहीं आए? भगवान हूं, जादूगर नहीं। लॉजिक, कौन सा भगवान है बे तू? कोई भी नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है? फिलॉसफी, क्या बात हाँ? हमारे घर पे आए भगवान जी शर्ट और जीन्स पहन के। क्यों नहीं पहन सकता? मैंने तो कभी पहने हुए देखा नहीं, ना फोटो में ना मूर्ति में। अभी मूर्ति बनाने वाले सोचते नहीं है, तो मैं क्या करूं? अबे चाहता क्या है तू? तुम जानो, तुमने बुलाया? कब? अभी। चिल्ला रहे थे, प्रॉब्लम दिया है सॉल्व करके जाओ। अच्छा तो तू बाहर खड़ा होके मेरी बातें सुन रहा था? परेशान हो?
हाँ हूँ, सॉल्व करेगा मेरी प्रॉब्लम? तुम्हारे ऊपर है। अच्छा ठीक है, चल अंदर आ जा। भाई तू तो लंगड़ा भगवान है भाई। हर रोज तुम लोग इतने लोग मेरे पैर पे सर पटकोगे। ऑब्वियसली एलपी लिंपिक। अंग्रेजी भी आती है? अमेरिकन्स क्या हिंदी में पूजा करते हैं? ओहो तो तुम उनके भी भगवान हो। आर्टिफिशियल है क्या मेरा पैर? ये गया कैसे? तुम्हारे ही भाई बंधुओं का काम है। हमारे? यही हमारे तुम्हारे। हमारे ने एक घर तोड़ा, तुम्हारे दूसरा घर तोड़ा। घर तो मेरा ही टूटा, उसी में से एक ने काट दिया। खैर मेरा छोड़ो, तुम्हारा बोलो, प्रॉब्लम क्या है? मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं। और तुम्हारा एक क्लाइंट मर गया? हाँ ऑब्वियसली, जिंदा रहता तो पैसा देता रहता। नहीं दरअसल वो दोस्त था, या ये कह लीजिए कि दोस्त जैसा हो गया था। हाँ तो उनके घर वालों को पैसा दिलवा दो। इतना आसान नहीं है। क्यों? कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। क्यों? कॉर्पोरेट पॉलिसी। वो क्या होता है? गॉड नोज। नो आई डोंट नो। बिलीफ ऑन विच द कंपनी रन्स। चाय कॉफी? नहीं, मैं पानी लड्डू और चिल्लर के सिवा यहां कुछ नहीं ले सकता। क्यों? कॉर्पोरेट पॉलिसी। भगवान की कैसी कॉर्पोरेट पॉलिसी भाई? बिलीफ ऑन विच द वर्ल्ड रन्स। और जो धन संपत्ति आपको समर्पित होता है उसका क्या? तुम लोगों को रिश्वत देने की जो आदत है मुझे भी नहीं छोड़ते। एक धागा बांधने के लिए भी डील मारते हो। लेते तो हो? लेते हुए देखा है कभी? देते तो है। मैंने मांगा था पानी। सॉरी भगवान जी, लड्डू नहीं है। लाल चलता है? हम उन्हें सूट नहीं करते। क्या करें, हमको यही सूट करते हैं। ये नहीं, पैसिव स्मोकर, अगरबत्ती से ही काम चला लेते हैं। मजेदार भगवान हो भाई। पैसिव स्मोकिंग। एनीवेज विद योर परमिशन गॉड जी। परमिशन? अचानक? अब भाई गॉड जी हैं तो जाहिर है उम्र में बड़े होंगे। चीयर्स। पंडाल में अकेले छोड़ के बाहर जाके क्या करते हो? मिट्टी का था, सोचा नहीं। आज परमिशन चाहिए जब सामने बैठा हूं। अब क्या करोगे कुलकर्णी का? आप कुलकर्णी को जानते हैं? मैं तो सबको जानता हूं। देखिए, अगर आप कुलकर्णी के रिश्तेदार हैं या उसके घर वाले हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं। क्या होता है, बहुत रियलिस्टिक बात है, इस तरह के क्लेम की मैच्योरिटी में कम से कम 2 महीने लगते हैं। मैं कुछ भी कर लूं जल्दी नहीं हो सकता। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मैं भी मर गया होता ना तो भी 2 महीने से कम में ये सब नहीं हो पाता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने सबसे बात किया, यहां तक कि बॉस से भी बात किया, मगर उसने तो ना कर दिया। अब तुम सोच रहे हो ये भगवान हो ना हो, आदमी इन्फ्लुएंशियल है, शायद काम आ जाए। देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कीजिए प्लीज। मैंने तुम इंसानों को बनाया था ये सोचकर कि तुम इस दुनिया का कुछ भला करोगे, वो तो तुम लोगों ने किया नहीं। हमेशा गिरगिराते रहे मेरे सामने हाथ फैलाकर, अपने ही बनाए हुए प्रॉब्लम्स को लेकर, और सोचा कि मैं उसका समाधान दूंगा। देखिए, अब मैं कुलकर्णी के लिए क्या करूं? जाके बता दो, नहीं हो सकता। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम कुलकर्णी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा डर है। उस दिन टारगेट मीट करने के डर से उनको एक इंश्योरेंस बेच के आए, कंडीशन अप्लाई छुपा। आज वही सोच रहे हो कि वो कंडीशन बताओ कैसे।
यही तुम लोग डर डर के जीते हो, डर डर के मरते हो, डरते भी डर डर के हो। सर जी, इस डर की जड़ तो आप ही हैं। डरेंगे नहीं तो आपको ये हाथ कैसे करेंगे? मतलब नतीजों से डरते हैं, इसलिए तो आपकी शरण में आते हैं। ये डर ही तो है जो आपको कवर करता है। मैं तुम लोगों के दिल से डर निकालना चाहता हूं, और तुम होके कह रहे हो कि मैं ही डर हूं और तुम लोग मुझे कवर करोगे। अरे वही तो करते आ रहे हैं आज तक। अहम, यही तुम लोगों की गलती है। मैं इंसान बना के गलती किया है मैंने। और इंसानियत? अरे सच तो सुनते जाइए, सच से क्यों भाग रहे हैं? गया। जादू देखे बगैर तुम लोग मानोगे भी तो नहीं। कौन सा सच सुनाना चाहते थे जो मैं नहीं जानता? सच तो ये है कि आप भी कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया बनाई, इंसान बनाया और खुद पत्थर बन गए। और हम कौन हो तुम? भगवान जो आपके बनाए इस दुनिया में रोज कटता है, रोज जलता है, रोज मरता है और रोज पैदा होता है। भगवान जिसका बाप यही उम्मीद लगाए रखता है कि आगे चलकर हमारा बेटा हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। भगवान जिसके बच्चे इसी आश्रम में रहते हैं कि हमारा बाप बहुत बड़ा है। भगवान जो हर सुबह रोजी रोटी के लिए आपके नाम पर डर बेचता है कि भगवान न करे कि आपके परिवार को कहीं कुछ हो जाए, इंश्योरेंस ले लो। कंडीशन अप्लाई नहीं बताता। भगवान जिसका घर चलता है, जिसके मकान टूटते हैं, जिसका पैर कटता है, जिसका सर फूटता है, हम वो लाचार भगवान हैं जो सब देखते हैं, सब सहते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। Mm-hmm.